नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। आजकल दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है, लेकिन इस बीच उत्तरी अमेरिका में बसे क्यूबा देश का नाम काफी लिया जा रहा है। इसका कारण भी है, क्यूबा ने अपनी चिकित्सा कूटनीति की पहुंच का प्रदर्शन करते हुए दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक इटली के लिए आपातकालीन चिकित्सकों का एक 52 सदस्यीय दल भेजा है। इटली वर्तमान समय में चिकित्सकीय आपातकाल से गुजर रहा है। कोरोना वायरस ने इटली की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उसकी चिकित्सा प्रणाली को भी तहस नहस कर दिया है। इटली में इस समय वायरस से अब तक लगभग 7,000 मौतें हो चुकी हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इटली सरकार ने क्यूबा से चिकित्सा में मदद मांगी है। क्यूबा ने कहा कि वह पहली बार इटली में डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम को भेजा, जो सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र लोम्बार्डी में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इटली की मदद करेंगे। क्यूबा के द्वारा भेजी गई डॉक्टरों की यह 6वीं टीम है। कोरोना से लड़ने के लिए क्यूबा ने डॉक्टरों की टीमें वेनेजुएला और जमैका जैसे देशों में भी भेजा है। क्यूबा ने समय समय पर बड़े पैमाने पर गरीब देशों में दुनिया भर के आपदा स्थलों के लिए अपने डॉक्टरों को भेजता रहा है। वे उत्तरी पाकिस्तान के सुदूर क्षेत्रों में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 2005 के भूकंप के दौरान व्यापक क्षति हुई थी। बेहद कठिन परिस्थितियों में भी घायल लोगों का ऑपरेशन कर लोगों की जान बचाई है। पश्चिमी अफ्रीका में इबोला महामारी के दौरान क्यूबा के चिकित्सा टुकड़े किसी भी देश की सबसे बड़ी विदेशी चिकित्सा टीम थी, जो सियेरा लियोन, गिनी और लाइबेरिया में लोगों की देखभाल करती थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वॉन की मून ने क्यूबा के डॉक्टरों के बारे में कहा, वे हमेशा आने वाले पहले और छोड़ने वाले अंतिम होते हैं। वे संकटों के बाद भी बने रहते हैं। क्यूबा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कई देशों के लिए एक मॉडल है जिस पर वह गर्व कर सकता है। क्यूबा ने चिकित्सा अनुसंधान में भी काफ़ी काम किया है। 1985 में क्यूबा ने मेनिनजाइटिस बी के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। देश के वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस बी, डायबिटीज फुट, विटिलिगो और सोरायसिस के लिए नए उपचार भी विकसित किए। उन्होंने एक फेफड़े के कैंसर के टीके का भी विकास किया, जिसका वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में परीक्षण किया जा रहा है। यही नहीं, आज 60 से ज़्यादा देशों में लगभग 50,000 क्यूबा के चिकित्सा कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि लगभग 1,12,00,000 जनसंख्या वाला देश, जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है न हो, वहाँ 1,000 व्यक्तियों पर 8 डॉक्टर उपलब्ध हैं। यह किसी भी विकसित देश से बहुत ही बेहतर है। अगर हम अपने देश में देखें तो यहाँ प्रति 1,000 केवल 1 डॉक्टर उपलब्ध है। तो फिर क्यूबा जैसा गरीब देश चिकित्सा के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया, इसको समझने की जरूरत है। इसके लिए हमें कुछ दशक पीछे जाना होगा। फिदेल क्वास्त्रो का नाम आपने सुना होगा, वही फिदेल क्वास्त्रो जिसके चित्र वाली टी शर्ट पहने आपने कई लोगों को देखा होगा। 1959 में फिदेल क्वास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा ने तानाशाही व्यवस्था से निजात पाई और 1 मई 1961 को फिदेल क्वास्त्रो ने क्यूबा को समाजवादी राज्य घोषित किया और सरकारी तौर पर बहुदलीय चुनाव समाप्त कर एक दलीय जनतंत्र की नींव रखी। सरकार ने देश के तमाम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, संपत्ति का पुनर्वितरण, कृषि का सामूहिकरण और नीतियों का निर्माण कर सब अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे गरीबों को बहुत लाभ हुआ। देश के राष्ट्रपति के रूप में फिदेल ने प्राथमिक सेवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा
और अनुसंधान में लगातार प्रगति की। इसमें सार्वजनिक अस्पतालों और समुदाय आधारित क्लिनिकों का व्यापक नेटवर्क स्थापित करना, निवारक और प्रचारक स्वास्थ्य उपायों पर जोर देना और डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए एक अनूठी प्रणाली का निर्माण करना शामिल रहा। फिदेल ने 1980 के दशक के बाद से डॉक्टर और नर्स की संख्या बढ़ाने का समर्थन किया और यह सुनिश्चित किया कि क्यूबा के प्रत्येक परिवार तक चिकित्सा सुविधाओं को पहुंचाया जा सके। फिदेल कास्त्रो ने पूर्ववर्ती तानाशाही सरकार के समय में चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव देखा था, जिसे बेहतर बनाने का संकल्प लिया। कास्त्रो के प्रोत्साहन से क्यूबा के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने भी बीमारियों का मुकाबला करने के लिए अत्याधुनिक उपायों का विकास किया, जो मेनिनजाइटिस से लेकर कैंसर तक थे। फिदेल ने न केवल देश के भीतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए अनुकरणीय पहल का नेतृत्व किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि क्यूबा के डॉक्टर विकासशील देशों में लोगों तक अपनी पहुंच बना सकें। फिदेल के नेतृत्व में क्यूबा ने 1999 में लैटिन अमेरिकन स्कूल ऑफ मेडिसिन की स्थापना की, जिसने 100 से अधिक देशों के लगभग 30,000 चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया। क्यूबा की स्वास्थ्य सेवा को दो वर्गों में हम बांट सकते हैं, एक है क्यूबाई और दूसरा विदेशियों के लिए। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, चाहे सर्दी जुखाम हो या कोई जटिल ऑपरेशन ही क्यों न हो। यहाँ की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली क्यूबा सरकार के लिए गर्व की बात है। क्या हम भारतवासी ऐसा सोच भी सकते हैं? आप इस पे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।